हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ी थी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हमारा जो रिलेशन आया था दैट वाज वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री आर टी अपॉन एम। यस सर नो? आया था नहीं आया था? आया था। तो ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, राइट? इसे ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। बोलो भैया, बोल सकते नहीं बोल सकता? बोल सकता। क्लियर? तो आपके नोट्सों में इसके बाद यही नोट दिया है, काफी सारे नोट दिए हुए हैं, उसमें से एक दो बता रहा हूं, वो समझ लो पहले, कुछ बाद में समझेंगे। ये वाला समझ में आ गया? सीन क्लियर है? पहले इतना देख लो फिर आगे बढ़ूंगा। चलो, इसके बाद हमारे को एक और नोट दिया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, पहले एक बात बताओ, आप लोग क्लास में बैठे हो, काफी सारे लोग बैठे हो, राइट? आप सबकी कुछ ना कुछ एज भी होगी। मुझे अगर एवरेज एज निकालनी है मैं क्या करूं? सबकी एज ने जोड़ ही दू, अब आगे बाद जितने लोग हैं उतने का बताते हैं। ऐसे तो करते हैं, करते ना करते ही करते हैं। आओ, लिसन एवरीवन, इसी को तो बोलते हैं आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बोलो भैया, यस और नो? बढ़ूंगा आगे, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इसी को बोलते हैं ना? हाँ, तोमर साहब इधर ही देखना, अंडर रूट का भैंसों की हाँ। अब वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन निकालना है, तो आइडियल गैसेस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, हर मॉलिक्यूल अपनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बोलो भैया, तो सबकी अलग अलग वेलोसिटी का स्क्वायर करूं, वी वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 वी एन स्क्वायर, एन मॉलिक्यूल है बटे। समझ में नहीं आई होगी, सीन क्लियर है? तो रूट वेलोसिटी के स्क्वायर का हमने क्या निकाल दिया? मीन। समझ में आई बात? यानी जो फॉर्मूला लिखा है, तो ये फॉर्मूला इसको ऐसे कैसे लिख सकता हूं, समझ में आ रही है बात? इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं? यही तो लिखते हैं, वी रमेश आर एम एस। नहीं आई? आई नहीं आई? फटाफट ये दूसरा वाला नोट देख लो। इसके बाद भी हमारे को कुछ एक पॉइंट्स दिए हैं नोट में, तो वो नोटों को हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, है ना, अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हमारे सामने एक अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस, राइट गाइस? ऐसा बोल रहे हैं नहीं बोल रहा? बोल रहा तो करे नप्पा। आओ बच्चों, मैंने बचपन में सुना है वी रमेश इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री आर टी अपॉन एम। बोलो भैया, यस और नो? हमने ये भी पढ़ा है प्रेशर ऑफ द गैस का फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू 1/3 एम एन वी बार स्क्वायर अपॉन वी। क्लियर है? है ना? चलिए, अच्छी बात है, ये बात आप लोग जानते हो तो बहुत सुंदर बात है। आगे बढ़ रहा हूं, P इज इक्वल टू 1/3, आप मुझे बता सकते हो m इंटू एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? कैपिटल M, बता चुका हूं, दिमाग का दही नहीं गन्ना, m v बार स्क्वायर बटे, बोलो v, सीन क्लियर है? तो बच्चों एक बात बताओ, सुनना होगा ये क्या होता है? है? तो मैं कैसे बताऊं? अच्छा, जगह हम तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इस सिंबल को रो बोलते हैं, ऐसा सुनी है मैंने, तो रो, सीन क्लियर है? कहुए को परेशानी हो तो बतलाए, नहाने तो फिर सुने, थ्री जालंग ले आओ तो थ्री पी, जब रोए नीचे ले आओ तरे में तो जो नहीं है, जाओ है जाओ नहीं है जाओ है। ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है?
अगर मैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है तो मैं कहां करूं? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट एट बोथ साइड, डिंग 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 डिंग, नहीं बस सीन क्लियर है। इसको क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में? VRMS अंडर रूट 3P अपॉन रो। नहीं आई बात समझ में? VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3P अपॉन रो। ये इक्वेशन हमको चीख चीख के इस बात को कह रही है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़वाएंगे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बच्चों? 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस, सॉरी क्या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस, हाँ यही पूछ रहा है आपसे। चलिए देखते हैं, आर यू रेडी एवरीवन? लेट्स बिगिन। रेडी पे रेडी है, धप्पा नहीं बोलूंगा। हाँ चल रहा है, चल चल तो देखे ना, चल। ये जानते हैं? जानते नहीं जानते? पी बराबर 1/3 mnv बार स्क्वायर अपॉन वी। समझ गए होंगे? समझ गए नहीं समझ गए? समझ गए। आओ, पी बराबर 1/3 बोलो। अब आप गौर से देखिएगा, मैंने यहां पे 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ा? फर्क तो पड़ेगा, तभी तो किया है। बचा क्या हमारे पास? एम वी बार स्क्वायर अपॉन वी। काव्या को परेशान? अगर थोड़ा बुरा नहीं लगे तो मैं तो सांची कह देता हूं 2/3 जैने सजाए के मैं यो नहीं लिखूं। नहीं आई, समझ गए? अरे 2/3 भैंसों की, बस भैंसों ही भैंसों कत रही हो तुम, समझियो कछू ना, ऊपर का छूना ने तो 1/2 नहीं लिख सकता, और ये भैंसों की दुनिया वालों 2/3 भैंसों की बताइयो। मैं गोला सो बना रहा हूं, बताऊ का फार्मूला लगे हो जा में? काइनेटिक एनर्जी, अब भटे है तो पर लग गए, तो काइनेटिक एनर्जी पर, समझ गए? तो इस पूरे को हमने लिख दिया ई। ई यहां पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। नहीं यही बात है, ई क्या है यहां पर? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम, वी वन रखवा रहे तो वी वन रख देंगे तो यही तो आ जाएगा। बोलो भैया, क्लियर है? हमने प्रूव कर दिया क्या? द प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। गॉट इट एवरीवन? कौवे को परेशानी? कोई तो बतलाए, नहीं तो फिर देखे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है उसे समझने के लिए कुछ कहानी हमें समझनी पड़ेगी। उसी कहानी से हमारा अगला क्वेश्चन भी निपटेगा जो मुझे कराना है, और उसी कहानी से जो नोट जो चल रहे थे ना, जो बीच में मैंने बोला था कि अगले वीडियो में देखेंगे, अब समय आ गया उसका, राइट? तो हम तैयार हैं। जो भी मैं बोलूँगा वो आपको नोट्सों में लिखा नहीं है, तो पहले आपको उसको अच्छे से समझना है, फिर आप उसे नोट डाउन करेंगे। क्लियर? तो पहले सुनेंगे, रेडी? अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 मोल गैस में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 6.023 × 10³ है ना? Yes, सही बोल रहा हूं? 1 मोल गैस में, हेलो लिसन एवरीवन, 1 मोल गैस, कोई अभी नोट नहीं करेगा, सब लोग सुनेंगे। 1 मोल गैस में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं दैट इज 6.023 × 10⁻²।
23, क्लियर। इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं वन मोल गैस में, 6.023 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स। कहोगे को परेशानी, सुना है इस नंबर को आप लोग एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हो। एवोगैड्रो नंबर को हम लोग लेटर कैपिटल एन से डिनोट कर देते हैं। काई से डिनोट कर देते हैं बबुआ, कैपिटल एन, कैपिटल एन, समझ गए मेरी बात को। कईयों लोग केमिस्ट्री में हो सकता है आप इसे सफिक्स में जीरो लगाकर शो करते हो, तो सब एक ही बात है, क्लियर। वेरिएबल सही है, हम कुछ भी दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर को काई से डिनोट कर रहा हूँ, कैपिटल एन से। कैपिटल एन क्या है यहाँ पर, एवोगैड्रो नंबर क्या है बच्चों? हाँ, मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये बात पहले से पता थी और आपने बताई भी है, साबित भी किया है आपने, अपने आप को प्रूव किया है आपने कि आप कुछ हो, राइट। तो एक मोल गैस में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं 6.023 × 10⁻²³। आप जानते हैं इसे कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं, करते। जब आपने इतना ही अपने आप को साबित कर दिया है, तो फिर मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दो और प्रूव करके बताओ कि आप कुछ हो। बताओ, 7 रुपये की 56 टॉफी आती हैं, तो 3 रुपये की कितनी है? 7 रुपये की 56 टॉफी आती हैं, 56, समझ गो, इंग्लिश मीडियम से हो ना। 7 रुपये की 56 टॉफी आती हैं, 56 बोले तो 56, 7 रुपीज़ की 56 टॉफी आती हैं, तो 3 रुपीज़ की कितनी आएंगी? हाँ, मैं समझ गया, 24, क्लियर। कहीं तो भाई चल रहा है प्रोग्राम अंदर पर, कछुआ नाने निकल के बाहर, सही बोल रहा हूँ। कहीं भाई साहब खिलाड़ी ऐसे होते हैं, 7 रुपया की 56, तो 3.5 रुपया की 28, सही बता रहा हूँ आपको, 3.5 की 28, फिर भी इन पर 3.5 को आ दो उतना नहीं। समझ रहे मेरी बात को। सब्जी मंडी में कहीं ने बड़ी भारी दिक्कत आवती है, 1 किलो 2 किलो तक तो ठीक है, कहता हूँ बात 100 ग्राम और 250 ग्राम पे आ जाए तो खेल ही खराब हो जाए, संजानो कैलकुलेशन ही नहीं हो इन पे। Yes or no? तो जिनको पता है बहुत सुंदर बात है, जिन्होंने मुझे झट से आंसर दे दिया कि सर 24 राइट आंसर, लेकिन कईयों लोगों को अभी भी नहीं आया क्योंकि बाकी लोगों के फंडे क्लियर नहीं है। हाँ, कहीं एक धुंधला सा तो आ गया, लेकिन हमको वो सटीक पाथ नहीं पता। अभी तो मैंने नंबर्स के फॉर्म में बोला है तो आप झट से कर भी लोगे, अगर मैं वेरिएबल्स के फॉर्म में बोलूंगा आपकी वाट लग चुकी होगी, क्लियर है। तो मैं पहले नंबर्स के फॉर्म में इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आप मेरी बातों को बेहतर समझ पाएं। तो मैंने बोला बच्चों, क्या बोला मैंने, 7 रुपये की 56 टॉफी, 56 टॉफी, राइट गाइस। अब मैंने आपसे पूछा था 3 रुपये की कितनी आएंगी, राइट। तो तरीका ये कहता है, 7 रुपये की 56 टॉफी, तो सबसे पहले आप 1 रुपये की निकाल लो। यस और नो, समझ गए मेरी बात को, क्लियर। 1 रुपये की कितनी टॉफी आई, 56/7, या सिंपल आप 8 टॉफी बोलते हो क्योंकि कैंसिल करोगे 7/8 = 56, राइट। पर मैं तुम्हारी 8 समझ गया, तुम मेरी 56/7 नहीं समझ सकते। तो 1 रुपये की 56/7 टॉफी आई है। अब मैंने पूछा 3 रुपये की कितनी आएंगी, तो 56/7, यहां भी 3 का मल्टीप्लाई है, तो यहां भी 3 का मल्टीप्लाई है। बोले भैया इतनी टॉफी आएंगी, जो मैंने किया आपको पल्ले पड़ा? बोले भैया कागुए को परेशानी होए तो बताए, ना ने तो बस सुने, सोच समझ के जवाब देना, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, ठीक है। जो बोला समझ में आपको, ठीक है, बताना जरा। 3 रुपये की या ना, 1 रुपये की वाई टॉफी आती है, तो 1 रुपये की है। हाँ, जा टाइम चौड़े में दरो ना, दादा तो समझ रहे हो तुम, खूब बात रहना, ठीक है, समझ गया ना, समझदार हो, तब बता दो फिर। चलो, आइडियल गैस इक्वेशन आ गया बाद में, आइडियल गैस इक्वेशन मान लो PV is equal to nRT है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो थोड़ा मैं लिख रहा हूं, हाँ लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना। आइडियल गैस इक्वेशन, इक्वेशन समझ जाओगे ना, फॉर एन मोल गैस कितनी है बच्चों? अभी अभी आपने बोला है PV is equal to nRT, यस आर नो? चलो इसको पढ़ो, क्या लिखा है, बोले बच्चों, आरटी, बोलो। एक मोल गैस के लिए एन की जगह वन रख देंगे, एन मोल थी तो एन का मल्टीप्लाई कर दिया था, कर दिया नहीं कर दिया? तो सुन लो, आइडियल गैस इक्वेशन ये 1 मोल के लिए है,
है ना, ये आइडियल गैस इक्वेशन वन मोल के लिए है, है? कितने मॉलिक्यूल के लिए है? तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर, अब मैं वन मोल नहीं लिख रहा, मैं तो ऐसे लिखूंगा 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो क्या लिखूं, कह के लिए एनआरटी आरटी लिखेंगे। अरे वन मोल का मतलब यही तो होता है, नहीं है बात समझ में? मैंने बोला एक दर्जन सेव 12 रुपए के हैं, तो मैं चाहे एक दर्जन सेव बोल दू चाहे 12 सेव 12 रुपए के, बात एक ही है। एक मोल गैस के लिए इक्वेशन ये है, तो एक मोल का मतलब इतना ही मॉलिक्यूल के लिए तो हुआ, नहीं है बात समझ में? कहा इसका मतलब ये आइडियल गैस इक्वेशन जो है, मैं इसे दो तरीके से बोल सकता हूं, या तो ये वन मोल गैस के लिए या फिर ये 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स के लिए। तो चूतियों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना। 7 रुपए की 56 टॉफी, तो 1 रुपए की 56 बटे 7 टॉफी। 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स के लिए आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी बराबर आरटी, वन मॉलिक्यूल के लिए पीवी बराबर आरटी अपॉन, ना लिख रहा नहीं आई, आ गई पक्का? शाबाश बच्चों, बस यही एक दिन बाकी रह गया था। तो मैं इसे ऐसे लिखूं, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, बोलो भैया। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस के लिए पीवी बराबर आरटी अपॉन एन, नहीं आई, आर कौन, गैस कांस्टेंट, पढ़ो ना ने कहा आर बराबर गैस कांस्टेंट, एन कौन, एवोगैड्रो नंबर, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.023 इंटू 10 23, आर गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, यस और नो, पता है कि ना पता? इसी को आर बाय एन अपने आप में एक कांस्टेंट होता है जिसे के बोला जाता है, क्लियर? के बराबर करंट, याद रखना, क्लियर? हेलो, आर की वैल्यू होती है 8.314, एन की वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 23, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों का डिवाइड करूंगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, उसको बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? हाँ, के की वैल्यू फिक्स होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23, ये के की वैल्यू फिक्स होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन, क्लियर है? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? याद रहना चाहिए के, के को क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के काय के बराबर होता है आर बाई एन, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। कहां से आया, समझ में आई बात? अच्छी बात है। तो क्यों, एक मॉलिक्यूल के लिए गैस इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं पीवी बराबर के टी, हाँ? ये क्या आ गया हमारा आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, बोलो भैया। एक मॉलिक्यूल ऑफ द गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन होगी पीवी बराबर के टी। तो बताओ आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन मॉलिक्यूल ऑफ गैस है पीवी बराबर, बोलो न कटा, पीवी बराबर एन के टी, क्लियर? पीवी बराबर शट अप, डोंट से नकड़ा, से एन के टी, एक समझ गए? अब सुने मेरी बात, मुझे एक्चुअली समझाना था इसलिए मुझे इतनी रामायण पढ़नी पड़ी, समझ में आई बात आपको? ये कैसे बन रहे हैं मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करा दूं, आपको ध्यान से सुन लें, इतना सबको मालूम है एक मोल गैस में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मैं इसे कैपिटल एन से भी लिख सकता हूं। फिर से आते हैं, आइडियल एन मोल गैस के लिए जानते हैं हम लोग पीवी बराबर एन आरटी, एक मोल गैस के लिए पीवी बराबर आरटी। अब चूंकि एक मोल गैस लिख रहा हूं इसका मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स के लिए बात कर रहा हूं, यही आएगी। अब इतने मॉलिक्यूल्स के लिए गैस इक्वेशन ये है, अपने को एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना है, तो 6.023 का डिवाइड हो जाएगा और ये अपने आप में एक कांस्टेंट होता है, तो इसे हम के लिख देते हैं। समझ में आ रही बात, सीन क्लियर है? तो ये जो गैस इक्वेशन है ये किसके लिए है, वन मोल के लिए, एन मोल के लिए, या एक मॉलिक्यूल के लिए, या एन मॉलिक्यूल के लिए? एक मॉलिक्यूल के लिए, वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, राइट? क्लियर? एन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस के लिए निकालना है तो एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है?
जो बोला पल्ले बड़ा। क्लियर yes, है। अब मैं आपको, जो बच्चे होते हैं, बच्चे इतने पचड़ी में नहीं पढ़ते, बीइंग अ टीचर हम लोगों को ये चीज़ें समझानी पड़ती हैं। अब आपके लिए शॉर्टकट देता हूँ, ठीक है, ये फालतू के चूतियामेटिक टाइप काम में मत फंसना। शॉर्टकट आपको पता है, पूछो क्या कछु ने। पहले बताओ, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वन मोल गैस, पीवी बराबर आरटी। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन मोल गैस, पता है ना, बस मोल की जगह अगर मॉलिक्यूल बोले, अगर मोल की जगह मॉलिक्यूल बोले तो आर की जगह के कर देना। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, एन के टी। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, के टी। जे एन आर टी को कर रही हूँ, समझ गए। और के क्या है यहाँ पर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कहानी समझ में आ रही है, क्लियर है। मोल से मॉलिक्यूल पे जाना है तो अपन आर में एन का डिवाइड कर देते हैं, कोर देते नहीं, कोर देते हैं। आपको याद रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा। तो ये कहीं भी, ये पूरा जितना भी लिखा हुआ है उसे जल्दी से फटाफट नोट कर लो, फिर मैं आगे की बात करूंगा। उम्मीद करता हूं सबने नोट कर लिया होगा ये। अब लेसन एवरीवन, अब सुनना ध्यान से। कल बड़ा पढ़ रहे थे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फॉर वन मोल गैस, तो आपने बोला था अंडर रूट थ्री आर टी अपॉन एम। ये वन मोल गैस के लिए थी। अगर मैं बोलूं वन मॉलिक्यूल के लिए क्या होगी, तो बताओ क्या करूं बच्चों, आर टी अपॉन एम। अब यहां पर आर में काय का डिवाइड हो जाएगा, एन का डिवाइड हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल के लिए बात करना है, बोलो भैया। और आर वाई एन क्या होता है, के। तो ये आ गया आपका वी आर एम एस बराबर अंडर रूट थ्री के टी अपॉन एम। अब ये मॉलिक्यूल के लिए बात होने लगी। नहीं आई मेरी बात समझ में, सीन क्लियर है। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो नोट देख लो जो अभी छूटा था, तो वो हो गया अब आपका, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर आज के लिए परे, आपसे कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।